फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 2003 में आई फिल्म कोई मिल गया में ऋतिक रोशन जो रोहित मेहरा के किरदार में थे, जिन्हें रेडियो सिग्नल्स के जरिए ब्रह्मांड से रेडियो सिग्नल्स मिले थे, वह एक काल्पनिक फिल्म थी। पर क्या आप जानते हैं दोस्तों कि ऐसा सच में हो चुका है? जी हाँ दोस्तों, खुद कैनेडियन वैज्ञानिकों ने बताया है कि उन्हें ब्रह्मांड से लंबे वक्त के बाद अजीब से रेडियो सिग्नल्स मिले हैं, और वह भी एक बार नहीं बल्कि दो बार ऐसे सिग्नल्स उन्हें मिल चुके हैं, और यह सिग्नल्स उन्हें FRB यानी कि फास्ट रेडियो बूस्ट से मिले हुए हैं। फैक्ट नंबर 9। कुल्लू से 18 किलोमीटर की दूरी पर मथन नाम की एक जगह है, जहाँ एक शिव मंदिर है। इस मंदिर पर हर 12 साल में एक बार बिजली जरूर गिरती है, फिर भी मंदिर को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता, है ना दोस्तों चौंकाने वाली बात, जिसकी वजह से इस मंदिर को रहस्यमय जगहों में से एक माना जाता है। दोस्तों, भारत में आज भी कई ऐसी जगह है जहां भारतीय होने की वजह से नहीं जाने दिया जाता। जी हाँ दोस्तों, जापान की और चेन्नई की कई ऐसी होटल्स हैं जहां आज भी भारतीयों को जाने की इजाज़त नहीं है, और गोवा के कई ऐसे बीचेस हैं जहां आज भी भारतीयों को नहीं जाने दिया जाता। जी हाँ दोस्तों, उस जगह के मालिक भी खुद एक इंडियन ही है, फिर भी वहाँ सिर्फ विदेशी लोगों को ही जाने की इजाज़त दी जाती है। जांच करने पर पता चला है कि विदेशी ये नहीं चाहते कि उनके रहन सहन और कपड़ों को देखकर कोई इंडियन छेड़छाड़ या कोई शर्मनाक हरकत करे। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, रमजान के बारे में कौन नहीं जानता, मगर दोस्तों क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश में स्थित रायसेन जिले में आज भी तोप के गोले के धमाके के साथ रोज़ा खोला जाता है। कहते हैं कि भोपाल और सीहोर में भी यह परंपरा थी, पर वक्त के साथ वह खत्म हो गई, मगर रायसेन में आज भी वह परंपरा चली आ रही है। फैक्ट नंबर 6। मॉस्को की मेट्रो में लोगों को फ्री में सफ़र करने की इजाज़त दी गई है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर क्या आप ये जानते हैं कि पैसों के बदले उन्हें 30 बार उठक बैठक करवाई जाती है, है ना दोस्तों चौंकाने वाली बात। सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। जैसे ही व्यक्ति 30 बार उठक बैठक करता है, वहाँ की मशीन में से मुफ्त टोकन बाहर आता है और व्यक्ति फ्री में सफ़र का मजा ले सकता है। फैक्ट नंबर 5। हॉलीवुड के मशहूर सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन, जिन्होंने दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की और आज उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पर एक समय ऐसा भी था दोस्तों जब उनके पास घर का किराया देने तक के पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने कुत्ते को $40 यानी कि 2500 रुपये में बेचना पड़ा था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि 2500 रुपये में बेचा हुआ कुत्ता उन्होंने 10 लाख रुपये देकर वापस खरीद लिया था। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि समुद्र में रहने वाली शार्क मछली कितनी खतरनाक होती है, और इसी वजह से हर साल पूरी दुनिया में कई लोगों को वह अपना शिकार बनाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सा फैक्ट है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनना। आमतौर पर इंसानों की सुविधा के लिए रखे गए वेंडिंग मशीन, जी हाँ दोस्तों, वेंडिंग मशीन अपनी तकनीकी खराबी की वजह से हर साल शार्क मछली से 4 गुना ज़्यादा लोगों की जान ले लेती है। जी हाँ दोस्तों, तकनीकी खराबी की वजह से वेंडिंग मशीन 4 गुना ज़्यादा लोगों की जान ले लेती है। फैक्ट नंबर 3। स्टारफिश के बारे में तो आपने सुना ही होगा, मगर क्या आप ये जानते हैं कि वह अपने पूरे शरीर के एक अंक के कटने पर उस अंक को फिर से हासिल कर सकती है? जी हाँ दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो यह है कि शरीर का सिर्फ एक ही हिस्सा क्यों ना बचा हो, फिर भी वह एक हिस्से में से अपने पूरे शरीर को फिर से पैदा कर सकती है, है ना दोस्तों चौंकाने वाली बात। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, नॉर्मली जब बारिश होती है तब आसमान से पानी की बूंदें गिरती है। जहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है वहाँ बर्फ की बारिश होती है, और अगर आपके आसपास पॉल्यूशन बढ़ जाए तो ऐसे ड्रेन भी हो सकती है। लेकिन आपको पता है दोस्तों कि यूरो में होंडुरेन नाम की एक सिटी है जहाँ पर हर साल मछलियों की बारिश होती है। फैक्ट नंबर 1। हमारा आखिरी फैक्ट है चींटियों पर। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर चींटियाँ यहाँ वहाँ हर जगह अपने झुंड के साथ घूमती रहती है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है दोस्तों कि पूरी दुनिया में कितनी चींटियाँ होगी? आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर इस धरती पर मौजूद चींटियों के वजन को मिला दिया जाए तो वह धरती पर मौजूद इंसानों के वजन से भी ज़्यादा निकलेगा। यह थे दोस्तों हमारे आज के वीडियो के 10 फैक्ट्स।
तो अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।